वालेकुम दोस्तों आज हम स्टडी कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन असिलेट्री मोशन जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ मोशन और इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं तो आज के लेक्चर में हम ऑसिलेटरी मोशन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे और ऑसिलेटरी मोशन से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी जो है यानी कि हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद द ऑसिलेटरी मोशन उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम डिफीनिशन करना चाहें तो उसको हम यू डिफाइन करते हैं कि द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या इसको हम यू भी डिफाइन करते हैं कि टो एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं इसका क्या मतलब है रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पोजिशन इसको मैं इस के थ्रू तो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक जोला है जिस पे एक लड़की जोल रही है और यहाँ पे थ्री पॉइंट्स है ए बी और सी ये पॉइंट बी जो है यहाँ पे ये यह लड़की या जोला जो है ये एक कुलीबरम पोजीशन में है यानी रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो तो इस पोजीशन यानी कि पॉइंट बी को हम मीन पोजीशन कहते हैं जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं इसको पॉइंट ए पे ले आते हैं पॉइंट ए पे लाने के बाद हम इसको रिलीज़ करते इसको छोड़ देते हैं तो फिर ये मोशन शुरू करता है टूअर्ड्स इट्स मेन पोजिशन और ड्यू टू इनर्शिया ये अपना मोशन कंटिन्यू रखता है और मूव करता है आगे टूअर्ड्स सी यानी सी की तरफ मोशन शुरू करता है और फिर सी से दोबारा मेन पोजिशन की तरफ और फिर मेन पोजिशन से ए की तरफ तो यू जो है इसका मोशन रिपीटेड है तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करो कि बी से लेकर ए तक ये बेक मोशन है और बी से लेकर सी तक ये फोर्थ मोशन है यानी मेन पोजीशन के बेक एंड फोर्थ मोशन और ऐसा मोशन जो रिपीट बी हो रहा हो इसको हम असीटरी मोशन कहते हैं यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट सी को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं पॉइंट बी को हम मेन पोजीशन कहते, है, कहते हैं और ए और सी को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं तो इस किस्म की मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं इसकी एग्जाम्पल एक तो ये है जोला फिजिक्स में इसकी एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं पेंडुलम या कोई स्प्रिंग है उसके साथ हम किसी मास को अटैच करते हैं तो जब हम मास को अटैच करते हैं तो वो अपनी मेन पोजिशन के गर्द मोशन शुरू करता है सिमिलरली पेंडुलम भी। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक पेंडुलम है ये जो है ये इनएक्सटेंशबल स्ट्रिंग है और ये एक मास है ये इसकी मेन पोजीशन है जहाँ पे ये रेस्ट की हालत में है इसको हम मेन पोजीशन कहते हैं तो इस पेंडुलम को मैं यहाँ से इस पर फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ इस पोजीशन पे। और ये पोजीशन इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया तो जैसे मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ तो ये देखो ये मोशन शुरू करता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया अब एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मेन पोजीशन और मेन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है तो इस किस्म की मोशन को हम असीटरी मोशन कहते हैं सिमिलरली ये एक स्प्रिंग है ये यहाँ पे एक पोजीशन में है यानी रेस्ट में है इस स्प्रिंग के साथ मैं इस मास को अटैच करता हूँ तो जब मैं मास को अटैच करूँगा और इसको रिलीज करूँगा तो इट विल स्टार्ट मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन चूंकि मैंने इसके साथ वेट अटैच किया है वेट जो है ये फोर्स है तो ये डाउनवर्ड फोर्स है जो स्प्रिंग पे लगा रहे हैं तो जब हम इस मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो ये अपनी मेन पोजिशन के इर्द गिर्द जो है मोशन शुरू करता है तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ असीटरी मोशन अब हम आते हैं दी फिजिकल क्वांटिटीज़ या हम कहते हैं कि दी टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद दी ऑसिलेटरी मोशन जब हम ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करेंगे तो हमारा वास्ता इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ पड़ेगा यानी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीच्यूड तो आज के लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ वाइब्रेशन व्हाट इज़ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे सिमिलरली एम्पलीट्यूड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आते हैं हम वाइब्रेशन की तरफ या हम साइकिल इसको हम डिफाइन करते हैं वाइब्रेशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ए कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ दी वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन या साइकिल मतलब यह है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी है एक ऑसिलेटरी बॉडी है उसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप एक कंप्लीट जर्नी उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पेंडुलम कंसीडर करता हूं यह एक पेंडुलम है इसको मैं यहां पे रिलीज करता हूं तो ये इस पोजीशन पे जहाँ पे आप आपको नज़र आ रहा है इस पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और मेन पोजीशन से गुजर के दूसरे साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगा और दोबारा जब इस पोजीशन पे आएगा ये पेंडुलम, तो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गया या एक साइकिल हो गया तो इसको मैं रिलीज़ करता हूँ तो ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से उन्होंने मोशन स्टार्ट की है और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा और जब ये दोबारा इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये एक साइकिल हो गया ये एक साइकिल हो गया या हम कहते हैं कि ये एक वाइब्रेशन है सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ वाइब्रेशन अब मैं डिफाइन करता हूँ टाइम पीरियड टाइम पीरियड को हम यू डिफाइन करते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड यानी वो टाइम जिसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑसिलेटरी बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो है वो सेकेंड है इसको मैं पेंडुलम के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ ये वही पेंडुलम है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये स्टप वॉच है इससे हम टाइम को नोट करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाऊँगा और फिर इसको रिलीज़ करूँगा और फिर मैं नोट करूंगा कि एक वाइब्रेशन या एक साइकिल के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ और फिर इसको मैं रिलीज़ करता हूँ और ये टाइम है तो हम देखते हैं कि एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है तो ये देखो एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुँचा अब जब ये दोबारा एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंचूगा तो एक साइकिल कम्प्लीट हो गया ये एक साइकिल कम्प्लीट हो गया तो यहाँ पर अगर हम टाइम नोट कर लें तो 1.81 पॉइंट एट वन सेकेंड इस पर लगे तो ये 1.81 पॉइंट एट वन सेकेंड जो है दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड यानी टी इज इक्वल टू वन पॉइंट एट वन सेकेंड अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से इसकी डिफिनेशन हम यू करते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकल्स पर यूनिट टाइम इज कार्ड फ्रिक्वेंसी यानी एक सेकेंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से तो इसको हम मैथमेटिकली यू लिखते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम यानी यूनिट टाइम एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसकी अगर मैं यूनिट फाइंड आउट करना चाहो तो ऊपर जो है साइकल्स हैं तो साइकल्स और नीचे जो है टाइम है और टाइम की यूनिट जो है वो सेकेंड है तो हम लिखते हैं कि साइकिल पर सेकेंड या इसको हम कहते हैं कि हार्ड्स हार्ट्स जो है इट इज़ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसको मैं वही पेंडुलम की एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ तो ये स्टॉप वॉच है इस इसमें हम इसे हम टाइम नोट करेंगे यानी वन सेकेंड और देखेंगे यहाँ पे कि कितने साइकल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ और फिर इसको मैं रिलीज़ करता हूँ और यहाँ स्टॉप वॉच के थ्रू मैं टाइम नोट करता हूँ वन सेकेंड तो हम देखते हैं कि वन सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं तो ये जो है टाइम है जैसी ही वन सेकंड कंप्लीट होगा तो तो ये देखो वन सेकंड में तकरीबन उन्होंने हाफ़ साइकिल कंप्लीट किया एक साइकिल उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकता हूँ तो तो फ्रीक्वेंसी को मैं इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पे साइकिल जो है हाफ़ है तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.5 है यानी हाफ साइकिल को मैं 0.5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टाइम जो है वो वन सेकेंड है तो जब 0.5 को मैं वन पे डिवाइड करूँगा तो फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव तो ये इस पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी हो गई है तो यू जो है हम फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है यानी टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी आर रिस्पर टू ईच अदर मतलब ये कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी या अगर टाइम पीरियड कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसको मैं मैथमेटिकली यू लिखता हूँ कि टी इज इक्वल टू वन ओवर एफ यानी इनवर्स रिलेशन है तो इसको मैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू तो एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास दो पेंडुलम्स है एक पेंडुलम ए है और एक पेंडुलम बी है तो मैं सपोज़ करता हूँ कि पेंडुलम ए जो है ये फाइव वाइब्रेशंस कम्प्लीट करता है फ़ाइव सेकंड्स में और पेंडुलम बी जो है वो वही फ़ाइव वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है टेन सेकेंड्स में तो यहाँ पे अगर हम देखें ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है यानी टाइम पीरियड यहाँ पे फाइव सेकंड है और यहाँ पे टाइम पीरियड टेन सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पेंडोलम ए की ज़्यादा होगी और पेंडोलम बी की कम होगी क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा है तो इसको अगर मैं फ़ाइंड आउट करना चाहूँ फ्रिक्वेंसी को तो फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू तो फाइफ डिवाइडेड बाई फाइफ तो पेंडोलम ए की फ्रिक्वेंसी जो होगी वो वन हार्ट होगी और पेंडोलम बी की अगर मैं फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहूँ तो दिस विल इक्वल टू एफ इज इक्वल टू फाइफ डिवाइडेड बाई टेन तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 0.5 पॉइंट हार्ट्स तो यहाँ पे हम देखें जब टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है यहाँ पे अगर टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो देट्स वाई वी से द टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर या इसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन हम यू करते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ असिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट मतलब यह है कि ये एक पेंडुलम है यानी कि असीलेटिंग बाडी है और ये इसकी मेन पोजिशन है और ये मूव कर रहा है टोअर्ड्स दिस एक्सट्रीम पोजीशन यानी अगर मैं इसको नाम दे दूँ कि ये पॉइंट ए है तो ये मूव कर रहा है टोअर्ड्स पॉइंट ए तो मैं सपोज़ करता हूँ कि वन सेकेंड के बाद ये पेंडुलम इस पोजीशन पर है तो यहाँ मेन पोजीशन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यानी द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन टू दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को हम यू डिफाइन करते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मतलब यह है कि ये एक असेलेटिंग बॉडी है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉइंट ए अगर इसको मैं पॉइंट ए कह रहा हूँ तो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीच्यूट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या यहाँ पे है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लेकिन एम्पलीच्यूट जो है फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन तक जो डिसप्लेसमेंट है उसको हम एम्प्लीच्यूड कहते हैं और एम्पलीच्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो एम्पलीच्यूड x m है यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। m जो है शो कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज समथिंग अबाउट दी असीलेट्री मोशन एंड द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद दी असीटरी मोशन थैंक यू